हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये है पपीते का प्लांट। इसको मैंने सीड से ग्रो किया था 11 महीने पहले और अभी इसके पत्ते हैं वो बर्न हो रहे हैं। पपीते के पत्ते हों या कोई अदर प्लांट के पत्ते, वो अगर इस तरह से बर्न होने लग जाएं तो दो कंडीशन में ही बर्न होते हैं, या तो ओवरहीट के कारण या फिर इसकी रूट्स हैं वो नीचे से बाउंड हो रही हैं। ये छोटा सा पॉट है 10 इंच का, इसके अंदर ये प्लांट लगा हुआ है और अब इसको बड़ा गमला चाहिए, तो आज मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगा बड़े गमले के अंदर। अगर हम प्लांट को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो इस छोटे से पॉट के अंदर ये रूट बाउंड होके कुछ ही दिनों में मर जाएगा, तो इसको बचाने के लिए हमें इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और मैंने इसकी मिट्टी ऊपर तक भर रखी है। ऊपर तक इसलिए भर रखी है क्योंकि पपीते को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, और इसकी मिट्टी अगर ऊपर तक फिल करके हम रखेंगे और पानी डालेंगे तो हम थोड़ा ही पानी डाल पाएंगे, तो इसलिए मैंने इसकी मिट्टियाँ ऊपर तक फिल करके रखी है। और अभी इसका स्टेम भी ये मोटा हो रहा है और मुझे लग रहा है इसकी रूट नीचे से बाउंड हो रही हैं। हालांकि ट्रांसप्लांट करना काफ़ी ईजी होता है कोई भी प्लांट को, लेकिन काफ़ी हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको ट्रांसप्लांट करना नहीं आता, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हम पपीते के प्लांट को इस पेंट की बाल्टी के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे। ये पेंट की बाल्टी है 24 इंच की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगा पपीते को बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी सोइल को थोड़ा सा सॉफ्ट बना लेते हैं। पपीते को रिपोर्ट करने के लिए हमने सोइल को एकदम सॉफ्ट कर लिया है। ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहले हमें इस प्लांट की रूट बॉल को बाहर निकालना होगा इस गमले के अंदर से। तो इसको चारों तरफ से ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे पीट लें। अगर इस दौरान कोई रूट्स भी टूट जाए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये इसकी रूट बॉल बाहर निकल गई है। बड़े गमले से पौधा बाहर निकालना काफ़ी हार्ड होता है, तो इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। ये देखिए, नीचे से इसकी रूट्स बाउंड हो रही हैं, इसलिए इसके पत्ते जलने स्टार्ट हो गए हैं।
अब हम इस बाल्टी से थोड़ी सी सोइल बाहर निकालते हैं। ताकि ये रूट बॉल सीधा सीधा इस बाल्टी के अंदर आ जाए। इस बाल्टी में काफ़ी मिट्टी है। अगर आप अपने प्लांट को अच्छे से ग्रो करवाना चाहते हैं तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा हमें सोइल देनी होगी। उसके लिए हमें बड़ा पॉट यूज़ करना होगा। नीचे वाली सोइल एकदम प्योर बालू रहते हैं, इसमें कोई भी कंपोस्ट ऐड नहीं है, एकदम प्योर है। ये आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी है और ये चिपकती नहीं है। ये देखिए, इतना काफ़ी है। अब हम ये रूट बॉल उठाएंगे। इसको आप स्टेम से पकड़कर भी डायरेक्ट उठा सकते हैं। और इसको डायरेक्ट ऐसे रख सकते हैं बाल्टी के अंदर। आप सेट करके देख लें। अगर आप चाहें तो इसकी सोइल को यहाँ नीचे से हटा सकते हैं। इसकी रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हुई है। और वापस इसको रख के हम मिट्टी फिल कर देंगे। मिट्टी आप हाथ से डालें तो अच्छा है। थोड़ा इसको पटक लेंगे ताकि जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो ये हमने पपाया के प्लांट को ट्रांसप्लांट कर दिया है बहुत ही आसानी से। इस तरह से आप भी कोई भी प्लांट को अगर ट्रांसप्लांट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ध्यान रहे उसकी ज़्यादा रूट्स टूटने ना पाए, नहीं तो वो प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा। और जैसे ही प्लांट स्ट्रेस में जाएगा उसकी जितनी भी लीव्स हैं वो सारी की सारी लटक जाएंगी। ऐसे लगेगा जैसे उसको पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है, लेकिन वो स्ट्रेस में होता है। ट्रांसप्लांट करने के बाद प्लांट में हम पानी देंगे और पानी अच्छे से देंगे। दो मग पानी काफ़ी है। तो ये हमने प्लांट को इस बाल्टी के अंदर ट्रांसप्लांट कर लिया है। और हमारे प्लांट में जो ये पत्ते सूखे हुए हैं इनको हम तोड़ देंगे।
तो ये सूखे हुए पत्ते हमने तोड़ दिए। अब हमारा प्लांट ये वापस से अच्छे से ग्रीन हो जाएगा और खूब अच्छे से बढ़ेगा। तो आप भी इस तरह से प्लांट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और अपने प्लांट को बचा सकते हैं। अगर रूट बाउंड भी हो जाए तो आप इसको बचा सकते हैं, अभी तक आपके पास टाइम है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।